अस्सलामुअलैकुम। हम बनाने वाले हैं डेट्स वॉन्टन, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। हम इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करने वाले हैं। आइसक्रीम के साथ काफ़ी टेस्टी लगता है ये खाने में, और रमज़ान के लिए तो ये बहुत ही सही रेसिपी है। आप इसको रमज़ान में बनाकर इफ्तार टाइम पर खा सकते हो। तो एक कप मैदा ले लिया है मैंने, आधा कप कॉर्नफ्लावर लेंगे, पाव चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लावर डालने से क्रिस्पी बनेंगे वॉन्टन हमारे, और इसमें मेल्टेड बटर ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून, और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी का यूज़ करते हुए हमें डो को गूंद लेना है। हमें ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ज़्यादा पतला करना है, मुलायम करना है, मीडियम डो गूंदना है। ये देखिए, ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए ना नरम होना चाहिए, इस तरीके का डो चाहिए। इस डो से हम वॉन्टन की शीट बनाने वाले हैं। तो इसको अब हम साइड में रख देते हैं और डेट्स की फिलिंग बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने डेट्स ले लिए हैं। ये 250 ग्राम्स मैंने खजूर लिए हैं, थोड़े जो सॉफ्ट वाले होते हैं ना वो लेना है आपको। और इसकी बींजों को मैंने निकाल लिया है। 1 टेबल स्पून बटर डाला है। बटर जब मेल्ट हो जाए तब उसमें खजूर ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे। डेट्स काफ़ी मीठे होते हैं, अगर आप शक्कर नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बट मैंने 2 टेबल स्पून शक्कर डाला है। और 1 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि शक्कर ईजिली मेल्ट हो जाए, और लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। ये देखिए, हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से मैश करते रहना है। तो ये देखिए, डेट्स की फिलिंग बनकर रेडी हो चुकी है। इसने पैन को भी छोड़ दिया है, तो इसको अभी साइड में रखते हैं डिश में निकाल कर और ठंडा कर लेते हैं पूरी तरीके से। तो अब ये डो के हम पार्ट्स कट कर लेंगे। 3 पार्ट्स में मैंने इसको कट कर लिया है। एक पार्ट हम उठा लेंगे और बाकी के 2 रख देंगे। इनको हमें रोल कर लेना है। आप चाहे तो इसमें मैदा डस्ट करके भी रोल कर सकते हैं, बट ये चिपकेगा नहीं। अगर आप बिना डस्ट किए भी बनाओगे तो ये बन जाएगा, रोल हो जाएगा। तो एकदम पतला हमें रोल करना है, जैसे हम समोसे की पट्टी वगैरह को रोल करते हैं ना, उसी तरीके से एकदम पतला इसको रोल करेंगे। जितना पतला रोल करोगे आप, उतने ही क्रिस्पी वॉन्टन बनेंगे। और इसकी एजेस को कट कर देंगे, चौकोन शेप में कट कर देना है इसके एजेस को। तो इस तरीके से मैंने कट कर दिया है चौकोन शेप में। अब सेंटर से कट कर देंगे। ये देखिए, स्क्वायर हमने शीट बना ली है वॉन्टन की। इस तरीके से बना लेना है, और इतना पतला मैंने रखा है। ये देखिए, इस तरीके की शीट होती है वॉन्टन की। एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी बनाने का, तो दोनों तरीके से भी आप बना सकते हैं। जो आपको इजी पड़ेगा आप उससे बना सकते हैं। और ये देखिए, ये जो इसके एजेस हमने कट किए थे उसको वेस्ट नहीं करना है, उसको भी आप बाद में रोल कर लीजिएगा। तो एक शीट हम उठा लेंगे, उसमें हम डेट्स की फिलिंग को रख देंगे जो हमने बनाई थी। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं इसमें, और ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको रमज़ान में इफ्तार टाइम पर बनाकर खा सकते हैं। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं इस तरीके से, वॉन्टन बनाकर उसको आप पॉलीथीन में पैक करके फ्रीज भी कर सकते हैं, और जब इफ्तारी के टाइम पर आप इसको फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो इसके किनारियों पर हम पानी लगा लेंगे ताकि ईजिली चिपक जाए, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है। बहुत ही इजी है बनाना। और इसके किनारियों को अच्छी तरह से पैक करना है, वरना फ्राई करते वक्त ये खुल जाएंगी। तो अच्छी तरह से इसकी किनारियों को पैक कर लीजिए दबाते हुए। अब ये जो सेंटर है ना, इसमें फिंगर से इस तरीके से, ये देखिए, अंदर इसको दबा देना है फिंगर से, और इस किनारे पे पानी लगा देना है और इसको फोल्ड कर देना है।
फोल्ड करके इस तरीके से इसको चिपका देना है। तो ये देखिए कितना इजी है और बहुत ही अच्छा हमारा वॉन्टन बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से सारे वॉन्टन्स बनाना है, और भी शेप्स के बनते हैं, आपको जो इजी लगता है आप उस शेप्स में इसको बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है वॉन्टन हमारा। अब दूसरा वाला भी मैं एक आपको बनाकर बताती हूँ। सेम वॉन्टन शीट ले लेंगे सबसे पहले, उसमें डेट की फिलिंग को रख देंगे, किनारियों पर पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए आपस में। बिना पानी लगाए ये नहीं चिपकेगा, इसलिए पानी लगाना ज़रूरी है। और इसकी किनारियों को अच्छी तरह से पैक कर ले, अच्छे से चिपका ले। इस तरह से चिपका लेना है अच्छी तरह से, और सेंटर में फिंगर से इसको दबाना है और किनारी पे पानी लगाते हुए इसको फोल्ड कर देना है। तो अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ज़रूर दबाए। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी दिख पाएगी। तो इसी तरीके से सारे वॉन्टन बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अच्छा, एक मैं आपको दूसरा तरीका भी बता रही हूँ वॉन्टन बनाने का। जिस तरीके से हमने बड़ा रोल कर लिया था, एक बड़ा पेड़ा लेकर रोल कर लिया था और उसको स्क्वायर शेप में कट कर लिया था, उसी तरीके से आप बड़ी रोटी बेल लें और गोल, कोई भी अगर आपके पास ढक्कन वगैरह होगा तो उस साइज से आप कट कर ले, जैसे हम पूरी वगैरह के लिए कट करते हैं। बट मैं आपको ये दिखाने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैंने एक रोल कर लिया है। ये देखिए पानी लगा लेंगे और जैसे हम करंजे वगैरह बनाते हैं उनको फोल्ड करते हैं, उसी तरीके से इनको फोल्ड कर लेना है और इसके किनारियों को अच्छी तरह से दबा देना है और इस किनारी पे पानी लगा देना है। और ये देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड कर देना है तो ये फ्लावर की शेप बन जाएगी राउंड में थोड़ी। ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ी फ्लावर जैसी शेप आ जाएगी इसकी। तो आपको दोनों में से जो भी तरीका इजी लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये देखिए दूसरा वाला भी इसी तरीके से बना लीजिए। ये दूसरा भी देखिए बनकर रेडी है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हर शेप इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, दिखने में ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये सारे वॉन्टन बनकर रेडी हो चुके हैं। एक दो मैंने बड़े साइज़ के भी बनाए हैं। ये देखिए इस तरीके से आप बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद है। आप मोटी शीट भी रख सकते हैं, पतली शीट भी रख सकते हैं। तो तेल को मैंने गरम कर लिया है और फ्लेम बिल्कुल लो रखना है। फ्लेम को ना मीडियम करना है ना हाई करना है। अगर आप हाई कर दोगे या मीडियम कर दोगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें अंदर तक क्रिस्पी चाहिए, ये अंदर तक क्रिस्पी होने चाहिए। तो लो फ्लेम पर पकाना है और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है और लो फ्लेम पर इसको इसी तरीके से पकने देना है गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमारा वॉन्टन और टेस्टी भी बना है। इसको हम पलट देंगे इसकी साइड को और दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे कलर आने तक। ये देखिए दूसरी साइड भी कलर आ चुका है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बना है वॉन्टन। अगर आप भी इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए अंदर तक क्रिस्पी बनकर रेडी हुए सारे वॉन्टन को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं, हम इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। तो गरम गरम वॉन्टन और ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने इसको पिस्ता आइसक्रीम के साथ सर्व किया है। आप इसको वनीला या जो भी आपको पसंद है आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।